स्वागत है आपका हमारे चैनल पीओबी हॉरर ऑफिशियल चैनल में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी कहानी जिसमें हम आपको खजाने ढूंढने के सफर में ले जाएंगे। उस सफर में क्या क्या घटनाएं होती हैं वह भी आपको सुनने को मिलेगा, साथ में कुछ सीखने को भी मिलेगा। कहानी के लेखक है पंडित श्री अरुण कुमार शर्मा जी और इस कहानी का नाम है एक तांत्रिक का रहस्यमय खजाना। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप भी चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी कहानियों के साथ जुड़ सकते हैं। आप अपने ईयरफोन हेडफोन लगा लीजिए, चलते हैं आज की इस रहस्यमय कहानी की ओर। निश्चय ही आपको मेरी यह कहानी अविश्वसनीय और असंभव सी लगेगी। लेखक ने अपनी विचित्र कल्पना का नमूना पेश किया है, शायद यही सोचेंगे आप। गगर सत्य है तो उसके लिए कल्पना की क्या आवश्यकता है। अद्भुत और विचित्र घटनाओं से पूर्ण एक सनसनीखेज घटना का वर्णन करके आप लोगों के मन में कुतूहल की सृष्टि के ओछे और सस्ते विचार से यह कहानी नहीं लिख रहा हूं। सच तो यह है कि इस कहानी के पीछे मेरा खास उद्देश्य यह है कि मैं आपको उस सत्य से परिचित करा दूं जो मानव जीवन के चतुर्दिक अदृश्य रूप से विराजमान है और विशेष ज्ञान और बुद्धि के माध्यम से वह प्रकट और प्रमाणित होता है। मनुष्य का जीवन दो धाराओं में विभाजित है, स्थूल जीवन जिसके अंदर वह अहम की सृष्टि कर जीता है, वह पहली धारा के अंतर्गत है। यह धारा स्वतंत्र नहीं बल्कि एक दूसरी धारा के आश्रित है जिसको हम सूक्ष्म जीवन की धारा कहेंगे। यह अजस्र है, इसमें किसी भी प्रकार का व्यवधान नहीं। इस जीवन में आत्मा का प्रवाह है, मनुष्य का अस्तित्व इन्हीं दोनों के बीच स्थित है। सूक्ष्म जीवन का सही ज्ञान प्राप्त करने के लिए ही मैंने उससे संबंधित अनेक योग तांत्रिक विधाओं का अच्छी तरह से अध्ययन किया है। सचमुच योग तंत्र शास्त्र एक ऐसा साधन है जिसके माध्यम से मानव जीवन की तमाम गुत्थियां, जटिलताएं और रहस्य समझ में आ जाता है। आजकल जो लोग योगी बनते फिरते हैं अथवा तांत्रिक कहलाते हैं, वे लोग सही अर्थों में वह नहीं है जिसे वे व्यक्त करना चाहते हैं। जो लोग वास्तव में हैं वे तो अपने आप को हमेशा अव्यक्त ही रखने का प्रयत्न करते हैं। कोरे अध्ययन से कुछ होता नहीं जब तक कि उस ज्ञान को जीवन में स्वीकार न किया जाए। आज जीवन में शिक्षा की असफलता का जो कारण है उसके मूल में यही तथ्य है। खैर, अपनी इस लंबी उम्र के दौरान में लोक संपर्क से सर्वथा अप्रभावित रहने का ही प्रयत्न करता आया हूं। सांसारिक दृष्टि से असंभव सी लगने वाली घटनाओं से भरा पूरा है मेरा जीवन। दो अपवादों को छोड़कर मैंने उन घटनाओं को कभी भी लिपिबद्ध करने का प्रयत्न नहीं किया है, मगर आज मैं आपके उपहास और अविश्वास को सहन करके भी अपना विलक्षण अनुभव सुनाने जा रहा हूं। लगभग 7 दिन की अकतपद यात्रा के बाद मैं मयूराक्षी और ब्रह्मपुत्र नदी का उल्लंघन कर दूधा नदी के तट पर पहुंचा। दूधा का दूध जैसा धवल और शुभ्र जल के अंदर डूबते हुए सूरज का प्रकाश तैर रहा था और जिसके साथ ही तैर रहा था लंबे लंबे मगर घने वृक्षों का प्रतिबिंब। नदी के दूसरे तट पर कुछ दूर तक तो थारू जाति के लोगों के झोपड़े थे, उसके बाद घने जंगलों का सिलसिला शुरू हो जाता था। काशी में मुझे स्वामी प्रत्यगात्मानंद परमहंस देव ने बतलाया था कि उसी दूधा नदी के तट पर किसी घने और रहस्यमय गुप्त स्थान पर एक भयंकर तंत्र साधक का मठ था। उसके पास तंत्र विद्या के अलावा सोने चांदी का भी खजाना था। यह खजाना उसने कैसे उपलब्ध किया यह तो किसी को मालूम नहीं, मगर इतना तो अवश्य मालूम था कि वह अपूर्व अतुलनीय खजाना आज भी उस मठ में सुरक्षित है। पर वह मठ है कहां? 3 दिन की खोज के बाद मुझे उस मठ का पता चल गया। अविराम गति से प्रवाहित दूधा नदी के तट से कुछ दूर पर 3 ओर से पहाड़ियों से घिरा वह मठ, जो अब खंडहर के रूप में परिवर्तित हो चुका था, स्थित था। एक ही तल्ले का था वह। अंदर कुल 4 कमरे थे। आंगन के बीच में एक चौकोर वेदी बनी था जिस पर बलि देने वाला जैसा खूंटा गड़ा था। भयंकर बदबू और सीलन से भरा था अंदर का वातावरण। चारों तरफ अजब गंदगी थी। दिन के प्रकाश में भी वहां अंधेरा था। सहसा एक बार रोमांच हो आया सारे शरीर में, मगर डरा नहीं और न तो भयभीत ही हुआ। एक अजीब उलझन और खित्रता का बोध हो रहा था मुझे। चारों तरफ परिव्याप्त थी श्मशान जैसी नीरवता। सांझ की स्याह चादर शनै शनै धरती पर फैलती जा रही थी।
उस समय मेरे मन में तीव्र जिज्ञासा हो रही थी उस स्थान के प्रति और उस तंत्र साधक के प्रति जिसने उस मठ में अपने जीवन के 18 वर्ष व्यतीत कर कठोर तांत्रिक साधना की थी और जिसको समाधिस्थ हुए 50 वर्ष का लंबा अरसा गुजर गया था। कैसा रहा होगा वह साधक, किस चरम उपलब्धि के लिए उसने वह कठोर जीवन मरणमयी साधना की थी। विचारों के सागर में आकंठ डूबा हुआ मैं बाहर निकल आया। सांझ अब रात्रि में परिवर्तित हो चुकी थी था कि तभी मेरे कानों में किसी का मधुर कंठ स्वर सुनाई पड़ा। उस वीरान जंगली वातावरण में कौन था उस समय, करकान पुकार रहा था मुझे। पीछे घूमकर देखा, फिर तो देखता ही रह गया मैं। एक नारी मूर्ति मेरी ओर बढ़ती आ रही थी द्रुतगति से। कुछ ही क्षण में मेरे पास आकर खड़ी हो गई वह। उस निर्जन वातावरण में सामने एक युवती को देखकर न जाने क्यों मैं सिहर उठा। आइए, मैं आपको पुकार रही थी, मृदुकंठ स्वर सुनकर मैंने ऊपर आंखें उठाई। रात की खामोशी में त्रयोदशी के चांद की मध्यम रोशनी में उस अनिंद्य सुंदरी नवर्यावना को देखकर मुझे संस्कृत साहित्य की तनवंगी, पीन पयोधरा, कामांगनाओं की याद भी आ गई। अगाध सौंदर्य, अगाध यौवन और अगाध आमंत्रण, अवाक देखता रह गया मैं। युवती के होठों पर मंद हंसी थी, मेरी दृष्टि सहसा उसके नेत्रों पर पड़ी। चौंक पड़ा मैं, उसके नेत्र साधारण नहीं थे। मुझे लगा कोई गुप्तकालीन प्रतिमा सजीव होकर मेरे सामने आ खड़ी हुई है, जैसे अजंता के किसी दक्ष कलाकार ने अपने सिद्ध हाथों की तूलिका से इस रूप राशि का सृजन किया हो और फिर उसमें प्राणों का संचार कर दिया हो। उसके सतेज नेत्रों में मानो कई शताब्दियों का इतिहास झांक रहा हो, दृष्टि में एक अलौकिक शक्ति। वह मुस्कुराती हुई दोबारा बोली, बाबा कह रहे थे आज कोई अतिथि आने वाला है, चलिए आप मेरे साथ। वह चलने को उद्यत हुई फिर, तुम्हारे कौन बाबा हैं, कैसे जानते हैं मुझे, कहां रहते हैं, एक साथ कई प्रश्न कर बैठा मैं। चलो रास्ते में सब कुछ बतलाऊंगी मैं, देर हो रही है, इतना कहकर चल पड़ी वह। और उसके पीछे पीछे मूक सा, सम्मोहित सा मैं भी चल पड़ा। मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा था कि कोई मुझे बरबस खींचता ले जा रहा है, मुझ पर, मेरी आत्मा पर कोई अदृश्य मगर अदम्य शक्ति आच्छादित हो गई है और मैं उसके अधीन हो गया हूं। युवती ने मुझे रास्ते में बतलाया, बाबा साधक है, बहुत दिनों से यहां रहते हैं, आपको वे कैसे जानते हैं ये नहीं बतला सकती मैं। युवती मुझे उसी मठ की ओर ले जा रही थी। थोड़ी देर बाद युवती मुझे साथ लिए मठ के पश्चिम ओर जरा दूर पर बने एक मकान के दरवाजे पर खड़ी हो गई। झोपड़ियों के इस अजीब से दरिद्र गांव में ऐसे पक्के मकान को देखकर विस्मित हो उठा मैं। दरवाजा बंद था, पर थोड़ी देर बाद सहसा अपने आप खुल गया वह, पर विशेष ध्यान नहीं दिया मैंने, अंदर प्रविष्ट हुआ। सामने एक दूसरी युवती खड़ी थी, सुडौल युवा देह, चेहरे का प्रत्येक कटाव आकर्षक। मेरी साथिन युवती ने बतलाया, यह परिचारिका है यहां की, नाम मीनाक्षी है, बाबा की सेवा में रहती है। उसी समय मेरी दृष्टि सामने वाले कमरे की ओर घूम गई, वहां काफी तीव्र प्रकाश हो रहा था। युवती मुझे उस तरफ देखते हुए बोली, पूजा गृह है वह, बाबा पूजा कर रहे हैं, चलो वहीं चलें। कमरा वस्तुतः पूजा गृह था, राल के सुगंधित धुएं से संपूर्ण कमरा भर रहा था। दरवाजे के ठीक सामने पाषाण वेदी पर चतुर्भुज दक्षिण काली की श्याम मूर्ति अट्टहास करती हुई खड़ी थी और उसके सामने योग मुद्रा में बैठे थे बाबा, किसी प्राचीन तपस्वियों जैसे ही प्रतीत हो रहे थे। स्वस्थ शरीर, गले में रुद्राक्ष, उन्नत ललाट पर रक्त केशर का तिलक और अंजलि में अपूर्ण पुष्प, उनको मेरी उपस्थिति का आभास नहीं था। प्रतिमा के सामने चौमुखे दीप में घी की ज्योति जल रही थी और उसी के पास एक थाली में कटे हुए बकरे का मस्तक रखा हुआ था जिसके ऊपर कपूर अभी भी जल रहा था। बाबा तंत्र साधक है और यह स्थान कोई गुप्त तांत्रिक साधना स्थल है ये समझते देर न लगी मुझे, मगर यह साथ वाली युवती कौन है इसका आभास मुझे अभी तक नहीं मिल पाया था। कुछ ठीक से समझ नहीं पा रहा था मैं उसके विषय में। उस समय बाबा से बातें न हो सकी। जो कमरा मुझे विश्राम के लिए दिया गया वह बहुत शानदार था, सुरुचिपूर्ण सजावट, भीतर एक पलंग पर मेरा बिस्तर लगा था। कमरे के वातावरण में जैसे कला के पायलों की झंकार गूंज रही थी। सामने दो काफी बड़ी हवादार खिड़कियां, पूरब की ओर किसी कोमलांगी युवती के सफेद आंचल जैसी लहराती बलखाती दूधा नदी
और घने जंगल और जंगल के ऊपर आकाश में टिमटिमाते हजारों लाखों तारों की बारात। खिड़की से जंगली फूलों की गंध भार लिए पुरवा हवा आ रही थी। थोड़ा मन स्वस्थ हुआ। यह सब क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये सब प्रश्न एक बारगी मस्तिष्क में से निकल गए उस प्राणदायिनी हवा के स्पर्श से। कुछ समय बाद युवती कमरे में प्रविष्ट हुई और पूछा, भोजन नहीं करिएगा? मैं बोला, खाऊंगा क्यों नहीं, मगर इसके पहले कुछ पूछना चाहता हूं, ठीक उत्तर मिलने पर ही खा सकूंगा। युवती के होठों पर मंद हंसी थिरक उठी। अपनी आंखों की सतेज दृष्टि मुझ पर टिकाती हुई बोली, तुमको विश्राम के लिए स्थान चाहिए था ना, सो मिल गया, मगर मैं इतनी दूर से चलकर यहां विश्राम करने मात्र के लिए तो आया नहीं हूं। मैंने कहा, मेरा उद्देश्य तो कुछ और ही है, वह भी पूरा समझिए। युवती बोली, हां ठीक ही कहती हूं, पहले खा लो। मैं फिर आपत्ति न कर सका। मुझे स्वयं अपने ऊपर आश्चर्य हो रहा था, मैं इस लड़की के आदेशों को ठुकरा क्यों नहीं पा रहा हूं। सिर झुकाकर जल्दी जल्दी खाने लगा मैं। युवती खिड़की के बाहर अंधकार से भरे आसमान की ओर निहारती हुई बोली, तुमने मेरा नाम नहीं पूछा। फिर जरा रुककर बोली, मेरा नाम कल्पना है। तांत्रिक साधना के संबंध में उच्च कोटि के अध्ययन के लिए ही तुम भ्रमण कर रहे हो, साथ ही साधना के रहस्य और गुढ़त्व की भी जानकारी चाहते हो। अच्छा है, शायद तुम मेरी कहानी भी लिख सको अपने अनुभवों के साथ। तुम्हें आना ही था। सिहर उठा मैं। क्षण भर के लिए लगा मुझे शायद मैं किसी पागल लड़की के चंगुल में फंस गया हूं, पर यह पागल तो नहीं मालूम होती, यह अभिनय भी नहीं है। भोजन करने के बाद सो गया मैं। कल्पना चली गई। घड़ी की ओर देखा, 1 बज रहा था उस समय। दूसरे दिन सांझ को पूजा के पहले बाबा ने मुझे अपने पास बुलाया। मुखमंडल पर अलौकिक चमक थी बाबा के, नेत्र बंद थे। मुझको उपस्थित जानकर नेत्र खोले उन्होंने। फिर एक गंभीर मुस्कुराहट थिरक उठी उनके होठों पर। काशी से आना हुआ है? बाबा ने पूछा। हां, श्रद्धा से झुककर अत्यंत धीमे स्वर में उत्तर दिया मैंने। तांत्रिक साधना के रहस्यों से शीघ्र परिचित होना असंभव है, बाबा ने स्वयं कहना शुरू किया। अत्यंत दीर्घ अवधि के बाद तुम जैसे खोजी का आना इधर हुआ है। 100 वर्षों पूर्व काशी जाना हुआ था मेरा। वहां भी अच्छे साधक गण हैं, अभी भी है, पर गुप्त हैं। बाबा की बातों से विस्मय हुआ मुझे। मेरे आने का उद्देश्य वे कैसे जान गए? फिर 100 वर्षों पूर्व बाबा काशी गए थे, कितनी आयु होगी उनकी? कौतूहल विस्मय के जाल में उलझ गया मैं, मगर कुछ पूछा नहीं गया, कुछ कहा नहीं गया मुझसे। मौनवत सुनता रहा बाबा की बातें। तुम यहां से वापस लौटे जा रहे थे, मुझसे रहा नहीं गया, मां महामाया की आज्ञा से इस वातावरण को स्थल भूमि में प्रकट करना पड़ा मुझे। समझ में कुछ नहीं आया मेरे। जिज्ञासा का भाव लिए बाबा की ओर देखा, शायद वे समझ गए। बोले, भारत की प्राचीन विद्या और साधना के प्रति अब पूर्व जैसी श्रद्धा और भावना शेष नहीं रह गई है। भारत अब अपने स्वरूप को भूलता जा रहा है, इसीलिए प्रकट में सब कुछ संभव नहीं, चर्म चक्षु से परे होना ही उचित है, इसी में भारत के मूलत्व की रक्षा हो सकेगी। कैसे लिखूं, कैसे कहूं, न जाने क्यों और कैसे बाबा की यह वाणी सुनकर मन विचलित हो उठा मेरा। आंखों में आंसू आ गए। निरीह भाव से देखता रहा बाबा की ओर। बाबा बोलते जा रहे थे, मोह आकर्षण और नानाविध प्रपंचों के कारण ही स्वरूप की विस्मृति होती है। स्थूल जगत में होने वाली विस्मृति का प्रभाव सूक्ष्म भूमि पर जब पड़ता है तो उसी से संस्कार जन्म लेता है। इसीलिए उच्च कोटि के साधक गण स्थूल जगत से पृथक रहने का ही प्रयत्न करते हैं। इस प्रसंग पर बाबा से प्रश्न कर बैठा, मैं लोक कल्याण के संबंध में साधकों की कैसी भावना रहती है? भावना सर्वोच्च प्रकार के साधकों में भावना का स्थान नहीं। भावना से राग और प्रेम की उत्पत्ति होती है। साधक भावना राग अथवा प्रेम से दूर रहता है, इसी को वैराग्य कहते हैं। मगर तांत्रिक साधना लोक कल्याण की भी हेतु बतलाई गई है। हां, मेरा यह प्रश्न सुनकर बोले, ठीक है, परंतु साधक के माध्यम से तांत्रिक साधना के लोक कल्याण का पथ तभी स्पष्ट होता है जबकि मनुष्य अथवा देश के हृदय में श्रद्धा, विश्वास और जिज्ञासा का उदय होता है। इनकी उत्पत्ति कैसे संभव है, यह तीसरा प्रश्न था मेरा। कुछ संस्कार के माध्यम से और कुछ वातावरण की प्रेरणा से इनकी उत्पत्ति हुआ करती है।
योगतंत्र के साहित्य का अब अभाव दृष्टिगोचर होता है। मैंने प्रसंग को बदला इस नए प्रश्न से। बाबा मौन हो गए, शायद इस प्रश्न का उत्तर उस समय नहीं देना चाहते थे। साधना कक्ष में सांझ का धुंधलापन छा गया था। बाबा चंचल हो उठे, संभवतः पूजन का समय हो रहा था और तभी कल्पना आ गई कमरे में। अवाक रह गया उसकी रूप शिखा को देखकर मैं। उन्नत ललाट, क्षीण कटी, आयताकार नेत्र, चंपई आभा से सराबोर शरीर, मादक उतार चढ़ाव। पूजन में योग देने के लिए तैयार होकर आई थी कल्पना शायद। उस दिन पूजा गृह विशेष रूप से सज्जित था। बाबा अपने आसन पर बैठ गए और उनके सामने आसन पर बैठी कल्पना। उन्मुक्त केश राशि फैली हुई थी उसके कंधों तक। पूजा शुरू हुई। मकान के किसी अज्ञात कक्ष से नगाड़े की गंभीर मगर मधुर ध्वनि प्रवाहित होने लगी वातावरण में। शनै शनै पूजा की स्थिति गंभीर होने लग गई। चतुर्दिक वायुमंडल में आकुलता का संचार होने लगा। आत्मविभोर हो उठा मैं। ऐसा लगा मानो कोई अज्ञात और अव्यक्त शक्ति का स्पर्श मुझे और मेरी आत्मा को हो रहा है और उस स्पर्श के प्रभाव से दबता जा रहा हूं मैं। एक भीनी भीनी सुगंध का झोंका मेरी नासापुट से आ टकराया और सहसा मेरी तंद्रा भंग हुई। फिर विस्मय विमुग्ध खड़ा निहारता रह गया मैं। देवी की प्रतिमा के सामने कल्पना की अर्धनग्न देह झूम रही थी। वह आंख मूंदे तन्मय थी। उसके स्तनों पर कसी हुई सुनहली कंचुकी न जाने कब और कैसे खुल गई थी। पीन पयोधर दो स्वर्ण कलश के समान प्रत्यक्ष हो गए थे। रोमांच से भर उठा मेरा सारा शरीर। बाबा निर्विकार बैठे थे पूर्ववत। सहसा कल्पना अपने स्थान से उठी। शेष वस्त्रों से अपने को मुक्त कर लिया उसने। हे भगवान, पूर्ण नग्ना नारी का एक विस्मय और विमुग्ध रूप था मेरे सामने। कल्पना का संपूर्ण नग्न शरीर प्रतिमा के सामने कांप रहा था। वह नृत्य की मुद्रा में थी। पूजा घर के वातावरण में अजीब उदासी मिश्रित विकलता भरी थी। वह और भी धनी हो गई। दहल उठा मैं। सहसा कल्पना उछलकर मेरे करीब आई और अपने दोनों हाथों से मेरी कमर को कसकर पकड़ लिया उसने। वह उन्मत्त हो रही थी। पूर्ण नग्न नारी की कामाग्निमयी देह का स्पर्श एक बार की झुलसा दिया उसने मेरी आत्मा को। वह मुझे खींचती ले जा रही थी शयन कक्ष की ओर। कल्पना, कल्पना, चिल्लाया मैं, यह क्या हो रहा है? कैसा पागलपन है यह? मुझे छोड़ो कल्पना, मुझे। पर कल्पना ने मुझे छोड़ा नहीं। व्याकुल, उन्मत्त और शरीर की भूख से व्यथित हो रही थी वह। नारी के सौम्य रूप में पुरुष अपने को अर्पित करता है। क्रूर और भयंकर रूप नारी सदैव घृणा और कौतूहल की पात्र समझी जाती है। खैर, उसके बाद का इतिहास रात्रि के अंधकार में डूब गया। प्रातःकाल हुआ, नींद खुली मेरी, स्तब्ध रहा गया मैं। मठ के आंगन में पड़ा था मैं। धूल और कीचड़ से शरीर और कपड़ा भर गया था मेरा। 24 घंटों में जिन दृश्यों का आविर्भाव हुआ था उनका कोई भी चिन्ह कहीं भी शेष नहीं था। मगर मेरी बुद्धि में यह बात आते देर न लगी कि यह सब विचित्र लीला उसी महातांत्रिक की थी जिसके खजाने की खोज में यहां तक आया हूं। मैंने यह निश्चय कर लिया कि रहस्य को प्रकाश में लाए बिना यहां से कदापि न जाऊंगा। मठ के आंगन से लगे एक कमरे में मैंने कुछ दिन व्यतीत करने का निश्चय किया। 3 दिन निर्विघ्न व्यतीत हो गए। कोई उल्लेखनीय घटना नहीं घटी। 4th दिन संध्या से ही बूंदाबांदी शुरू हो गई। क्रमशः बादल घने होते चले गए आकाश में। फिर आधी रात व्यतीत होने तक झमझम कर बरसने लगे बादल। चारों तरफ एक अबूझ सी खिन्नता व्याप्त हो गई। कभी कभी मेघ के अट्टहास से सारा प्रांत गूंज उठता था। बिजली की चमक से तिमिराच्छन्न धरती उद्भासित हो जाती थी। मेरी आंखों में नींद नहीं थी। मस्तिष्क में विगत घटनाओं के दृश्य थिरक रहे थे और तभी एकदम झनझनाहट की ध्वनि ने मेरी नस नस को उद्वेलित कर दिया। मैं चौंक कर बैठ गया। उस झनझनाहट की आवाज को गौर से सुनने लगा मैं। उस झनझनाहट की अजीब ध्वनि थी। शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता उसे। सिर्फ इतना ही कह सकता हूं कि उस विचित्र ध्वनि में एक अजीब मादकता थी, कोमलता थी और था आकर्षण। अब मेरे मन में कौतूहल के साथ साथ भय का भी संचार हो रहा था। वह आवाज स्थिर नहीं थी। इधर उसके कारण मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। मेरी आंखें पत्थर आ रही थीं। आवाज ऊंची हुई थी। आंखों के सामने तारे नाच रहे थे। माथे पर पसीने की बूंदें उभरी आ रही थीं। लेकिन उस घबराहट और अर्धविक्षिप्त मन स्थिति में भी मेरा स्वाभिमान एकदम जोर कर रहा था।
मैं अनुभव कर रहा था कि मैं किसी अनहोनी सी घटना के अथाह सागर में तिरोहित हो रहा हूं। फिर भी अंदर साहस का अंश शेष था और तभी मुझे ऐसा लगा कि झंझनाहट की वह आकर्षक आवाज मठ के अंदर ही बने एक सूखे कुएं की ओर बढ़ रही है। सूखा कुआं, हां सूखा कुआं, जिसकी ओर मेरा ध्यान अभी तक नहीं गया था। मैं साहस इकट्ठा कर उस कुएं के निकट जा पहुंचा। अजीब सा लगा मुझे। ध्वनि अब खत्म हो चुकी थी, चारों तरफ सन्नाटा छा गया था, केवल वर्षा का शोर हो रहा था बाहर। मैं वहां कुछ समय खड़ा रहा, फिर वापस लौट आया कमरे में। दूसरे दिन मैंने उस कुएं में उतरने का फैसला किया। जैसा कि मैंने बतलाया, कुआं बिल्कुल सूखा था, लगभग 35 फुट गहरा रहा होगा वह। मैं रस्सी के सहारे नीचे उतरा। भीतर अभी भी प्राणघातक दुर्गंध फैल रही थी, कूड़ों का ढेर लगा हुआ था। और तभी मेरी आंखें चमक उठी। देखा, कुएं की दीवार में एक छोटा सा दरवाजा बना हुआ था, लोहे के मजबूत चद्दर से बंद था वह। 3 घंटे के अथक और एकाकी श्रम से किसी प्रकार खुला वह। भीतर पत्थर के ईंटों की बनी सुरंग मिली मुझे। टॉर्च की रोशनी से आगे अंदर बढ़ा मैं। लगभग 50 कदम अंदर जाने पर मुझे एक आंगन मिला, जिसके एक तरफ छोटी सी कोठरी जमीन को बराबर काट कर बनी हुई थी। भीतर भयंकर अंधकार और दुर्गंध के बावजूद कुछ ऐसा था कि मन में घबराहट नहीं होती थी। कोठरी का दरवाजा भी मजबूत चादर का था, किसी प्रकार उसे भी खोला मैंने। दरवाजा खुलते ही सबसे पहले जिस वस्तु पर मेरी नजर पड़ी, उसे देखकर चौंक पड़ा मैं। संगमरमर निर्मित पाषाण वेदी पर एक नर कंकाल दोनों पैर मोड़कर बैठा हुआ था, जिसे देखकर ऐसा प्रतीत होता था कि मानो कोई जीवित अवस्था में उस वेदी पर बैठा होगा और मृत्यु को प्राप्त कर अब कंकाल में परिणत हो गया था। पर ऐसा हुआ क्यों? विकट प्रश्न था मेरे सामने। मेरे टॉर्च की रोशनी बराबर कोठरी का निरीक्षण कर रही थी और तभी दीवालों पर फिसलती हुई रोशनी 2 बड़े-बड़े लौह संदूकों पर पड़ी, जिसको देखते ही मुझको यह समझते देर न लगी कि मैं उस महान तांत्रिक के अपूर्व और दुर्भेद्य खजाने के बीच हूं। सारे शरीर में झुरझरी होने लगी, कौतूहल और आश्चर्य से भर उठा मैं। थोड़े से परिश्रम से दोनों संदूक खुल गए। पहले में मुझे स्फटिक की एक तश्तरी मिली। उस तश्तरी में विचित्र प्रकार का द्रव भरा हुआ था। उस द्रव के बीच में अंडे के आकार का एक कांच तैर रहा था, जिसमें से रोशनी की तीखी किरणें बाहर निकल रही थीं। मैं उसको काफी गौर से देख रहा था। सहसा उस प्रकाश भरे कांच के अंदर मुझे विचित्र दृश्य दिखलाई पड़ने लगे। घोर आश्चर्य हुआ मुझे। निश्चय ही वे दृश्य विस्मयकारक थे। वे इस संसार के दृश्य कदापि नहीं थे। सब कुछ अनोखा था, सब कुछ विचित्र और मन को उद्भासित करने वाला था। उसी संदूक में खोजने पर मुझे चांदी और तांबों के 1 फुट लंबे और 1.5 फुट चौड़े सैकड़ों पत्र मिले, जिस पर संस्कृत भाषा में तंत्र शास्त्र संबंधी प्राचीन विवरण थे। उसकी पृष्ठभूमि में मुझे तथाकथित महान तांत्रिक की महाकाव्य साधना और परिश्रम की झलक मिलती थी। दूसरे संदूक में भी मुझे सैकड़ों की संख्या में वैसे ही पत्र मिले, मगर वे पत्र सुवर्ण के थे। वह सभी योग तांत्रिक विषयों की गंभीरता और प्रखरता को अपने आप में छिपाए हुए थे। समय का उन पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा था, वे बिल्कुल स्वच्छ थे। लगभग 1 घंटे के अंदर मैंने कुछ पत्र पढ़ भी लिए। उसी समय मेरे मन में यह इच्छा जागृत हुई कि क्यों न इन पत्रों को संसार के प्रकाश में लाया जाए। यह भाव आते ही मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि यह कार्य अच्छा नहीं है। न जाने क्यों और कैसे, किस प्रेरणा से यह विचार आया मेरे मन में, कुछ बतला नहीं सकता मैं। मैं उसी प्रकार उस सुरंग के बाहर निकल आया। संपूर्ण रहस्य रहस्य ही बना रह गया मेरे लिए। सबसे ज्यादा मुझे कल्पना कौन थी, अर्पणा कौन थी और कंकाल किसका था, इन प्रश्नों ने परेशान किया। लगभग 1 हफ्ता बाद मैं बनारस लौट आया, मगर वे तमाम प्रश्न मुझे बराबर परेशान करते रहे। कोई उत्तर, कोई समाधान मुझे नहीं मिल रहा था। उस विषय में मैंने किसी से चर्चा भी नहीं की। सुनता भी कौन, किसको विश्वास होता मेरी बातों पर। लगभग 1 वर्ष बाद प्राचीन ग्रंथों के संग्रह करने के प्रयास में मुझे अपने परिवार के किसी व्यक्ति द्वारा लिखित प्राचीन तांत्रिक विषय की पांडुलिपि सहसा मिली। उस पांडुलिपि में एक ऐसी साधना का प्रसंग था जिसका काफी अंश गुफा में मिले ताम्र पत्रों के विषय से मिल रहा था। वह विषय था दिव्य औषध पथ की साधना। तंत्र मार्ग की यह अत्यंत जटिल और दुरूह साधना मानी जाती है, मगर उस पांडुलिपि में उसको काफी सरलता से समझाया ही नहीं गया था।
वरन उसकी सिद्ध से अनेक दुर्लभ वस्तुओं की जानकारी, अंधकार में छिपे अतीत के और भविष्य का विधिवत ज्ञान और अनेक सूक्ष्म लोकों की गतिविधियों के अनुभव के विषय में भी बतलाया गया था। निश्चय ही वह अपूर्व और अलौकिक शक्ति संपन्न सिद्धि थी। लोभ संवरण न कर सका मैं, उस सिद्धि को प्राप्त करने का निश्चय कर लिया मैंने। एक प्रकार से यह कहानी यहीं समाप्त हो जाती है, मगर तथाकथित तांत्रिक के इतिहास पर संपूर्ण रूप से प्रकाश तब पड़ा और उस गुफा में मिले कंकाल के संबंध में पूर्ण जानकारी तब मिली और कल्पना कौन थी इसका उत्तर उस समय मिला जबकि मैं उस साधना को पूर्ण करने के प्रयत्न में था। तो क्या मेरी साधना पूर्ण हुई? यदि मुझे किंचित भी यह ज्ञान होता कि वह साधना और सिद्ध मेरे जीवन का अभिशाप बन जाएगी तो मैं कदापि उसके चक्कर में न पड़ता। आप विश्वास करें या न करें, मगर है यह सत्य कि मेरा जीवन आप लोगों की तरह नहीं है। मैं स्वतंत्र और उन्मुक्त विचरण कर सकने में सर्वथा असमर्थ हूं। दोस्तों, ये कहानी यहां समाप्त होती है। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट जरूर करें और साथ में ये भी बताएं आप हमारी कहानी कहां से सुन रहे हैं। कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना नहीं भूलें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आप भी हमारी ऐसी ही रहस्यमय और डरावनी कहानियों से जुड़ना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आप भी ऐसी ही कहानियां सुनना चाहते हैं तो आपको स्क्रीन पर कहानियां दिख रही होंगी, वहां से आप कहानियां सुन सकते हैं। मिलते हैं हमारी अगली कहानी में, जब तक आप अपना ख्याल रखें।